नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके घर कोई आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इन तीन चीज़ों का अंत होकर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है कि आपके घर पे कोई आने वाला है और आपके जीवन से इन तीन चीज़ों का अंत होगा। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि यह समय आपने बहुत अधिक दुखों का सामना किया है, बहुत अधिक अपने पैसों की तंगी को भी आपने देखा है। आप बहुत मेहनत भी करते हैं लेकिन आपको मेहनत का फल नहीं मिल पाता है। आपके कर्म भी अच्छे हैं लेकिन फिर भी किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पाता है। यूँ कहें तो दोस्तों, आज तक सिर्फ आपने दुख ही देखा है। दुख आखिरकार क्या होता है, यह आपसे कोई और नहीं जान सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आपको खुश हो जाना है क्योंकि आपके जीवन में इन खास चीज़ों का आगमन होने वाला है। और इन तीन चीज़ों में से सबसे पहले तो दोस्तों यह है कि तुम्हारे जीवन से पैसों की कमी दूर होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि आप लोगों को जिस चीज़ की इच्छा थी वह चीज़ भले ही देर लगे लेकिन अब आप लोगों को मिलेगी अवश्य से। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति आपके जीवन से पैसों की कमी दूर करने वाली है। लेकिन ज़रा ध्यान रहे कि इसी बीच इस घटना के दौरान आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। खास करके ये पांच गलती जो कि आपको हम बताने वाले हैं उनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इन पांच गलतियों में से यदि एक भी गलती आप करते हो तो दोस्तों यह शक्ति आपसे नाराज़ हो सकती है और आपको दंडित भी कर सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिरकार कौन सी वह चीज़ें हैं जिसका आपके जीवन से अंत होने वाला है और कौन सी पांच गलतियां आपको नहीं करना है। यह जानना सबसे ज़्यादा आपके लिए आवश्यक है, इसलिए सभी काम छोड़कर पहले इस वीडियो को आप अंत तक देखो। हम आपसे यही कहेंगे दोस्तों, आपको जैसे कि दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पहले जो आपके जीवन से दुख मिटाने वाले ही हैं दोस्तों, वह पैसों को लेकर के, और दूसरा ही दोस्तों ये है कि अब आपके दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। दुश्मन चाहते हुए भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दोस्तों। अब दुश्मन भी डर से कांपेगा ही कांपेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और तीसरी चीज़ का जो दोस्तों अंत होने वाला है वह है आपके जीवन में यह समय। जो दोस्तों आप हर क्षेत्र में अब सफल हो रहे हैं दोस्तों, आपके जो सपने हैं दोस्तों यदि साकार नहीं हो पा रहे हैं तो अब आपके सारे सपने साकार होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इन खास पांच गलतियों को मत करना। पहले किसी भी प्राणी का आप लोगों को नुकसान ना करें और दोस्तों किसी प्राणी को भी नुकसान आप ना पहुँचाएँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आप लोग को तभी शुभ फल की प्राप्ति होगी, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये शक्ति आपसे नाराज हो सकती है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेष और महत्वपूर्ण व साधारण सी सावधानियों के बारे में जो आपको करने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले शिव शंकर के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जो कि आपके जीवन को बदल कर रखने में सहायक होगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी बताना चाहेंगे, आपके सोचे हुए सपने अब साकार होने वाले हैं। आपको एक से अधिक क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है, ये आपके लिए बहुत खास रहेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को अपने जीवन में बड़े बदलाव के कारण कुछ शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है, यह आपके लिए बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों आपके हो रहे पक्ष में आप लोगों को बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय ग्रह की स्थिति दोस्तों अनुकूल बनी हुई है। करियर से जुड़ी हुई किसी समस्या का समाधान मिलने तक आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता रहने वाली है। अत्यधिक प्रभावी चाल है दोस्तों, आपको ये सीख मिलेगी कि अपने भविष्य का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। चल रही समस्याओं से जूझ रहे हैं तो दोस्तों वक्त आते आप लोगों को उसका निवारण मिल सकता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को ये भी बता दें, कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, थाने वाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दुश्मनों से दोस्तों दो दो हाथ यदि आप कर रहे हैं तो दोस्तों यह समय उन चीज़ों की सुलह का प्रबल संभावना बन सकती है। साथ ही आपके गिले शिकवे भी दूर होंगे, लड़ाई झगड़े भी सुलझ जाएंगे। बस आपको अपने आप पर थोड़ा काबू पाने की आवश्यकता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ बल से करी जाए, कुछ ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ क्रोध से लिपटे, प्रेम से और संयम से और धैर्य से भी इन तीनों का यदि आपने उपयोग कर लिया तो बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों,
वहीं आपके जीवन साथी के साथ में जो रिश्ते हैं वह अच्छे नहीं चल रहे थे, तो इस समय आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप के अंदर भी झांकना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय के जो रिश्ते हैं दोस्तों वे थोड़े से ज़्यादा कुछ बिगड़ सकते हैं। आपको अपने आप पर, अपने क्रोध पर कुछ काबू पाने की आवश्यकता है। अपनी बोली पर ध्यान रखें। एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा दोस्तों दोस्त बने बनाए रिश्ते पुनः टूट सकते हैं। एक बार दूरियां बढ़ जाएं तो फिर दोस्तों मिटेंगी नहीं, तो इसीलिए इस अवधि में आपको थोड़ा अपने प्रिय का समर्थन भी मिल सकता है। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहेंगे कि जो दुनिया आई है इनको बिठाई जाए अच्छे से। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे ये भी कि ये जो समय है, यदि दफ्तर में चल रही राजनीतियाँ हैं तो आपको संभल कर रहना होगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यानी कि किसी तीसरे इंसान जो आपसे जलता है, जो आपसे आगे बढ़ना निकलना नहीं जाने दे रहा है, आपका प्रतिद्वंदी है, तो उससे थोड़ा सा बच कर रहिएगा। काम के साथ साथ आपको अपने आसपास क्या क्या हो रहा है उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। उन सभी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को ये जो समय है दोस्तों छोटी मोटी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये जो छोटी मोटी चुनौतियाँ हैं आपको सुखी नहीं रहने देंगी, तो आपको धैर्य बनाकर रखना है। जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर कागजी अड़चने भी आ सकती हैं, इसलिए यदि पेपर्स खो गए हैं, कागज़ खो गए हैं, अपने जो महत्वपूर्ण काम के कागज़ हैं उनको बिल्कुल संभाल कर रखिएगा, वरना जब काम पड़ेगा तो ये चीज़ें ऐसा कह सकती हैं कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर सकती है। तब दोस्तों साथ में यह समय सोच समझ कर खर्च करने की आवश्यकता है, ये बढ़िया रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे, खुद पर काम का ज़्यादा दबाव ना डालें। दोस्तों काम है अच्छी बात है, परंतु दोस्तों ज़्यादा दबाव खुद के ऊपर यदि डालोगे तो जिम्मेदारियों का काम को दोस्तों आप लोगों को बता दें आप काम को नहीं कर पाओगे। और एक बात का और भी ध्यान रखना कि इन दिनों में बिल्कुल ही ज़रा ध्यान से सुनना, सभी काम को हटा दीजिए, केवल और केवल आप हमारी बातों पर ध्यान केंद्रित करिए। दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि काम के साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, जितना आप सभी चीज़ों का रख रहे हो। बोलने में तो कुछ नहीं जाता, लेकिन दोस्तों साथ में यह समय आप लोगों के ऊपर बड़े बदलाव लाने वाला है, इसलिए आपसे निवेदन है, दुश्मन के छक्के छूटने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, लेकिन हम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें दोस्तों, तभी आपके जीवन में ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार होंगे, ऐसी ऐसी खुशियाँ आपको मिलेंगी, ऐसे ऐसे घटनाएँ आपको मिलेंगी जो आपको अपनी ही आँखों पर विश्वास नहीं करने देंगी। दोस्तों आपका मन इस समय जिस भी बात को लेकर के बहुत परेशान है, आपके मन में बहुत बड़ा तूफान यदि उठा हुआ है, तो उस तूफान को इस समय आपको शांत करने की आवश्यकता रहने वाली है। दोस्तों आखिरकार कौन से ऐसे कारण हैं जो आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। भौतिक रूप से अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। याद रखें कि अपने कार्य को चुपचाप करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो दोस्तों बड़ी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। संबंधित कार्य बचकर करें, कोई दुर्घटना वरना हो सकती है, इसीलिए आप अपने बचाव के इंतज़ाम पहले से ही कर लें तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, वरना दोस्तों बड़ी मुसीबत का सामना आप सभी लोगों को करना पड़ सकता है। दोस्तों यदि आप समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं तो समाज में आपका मान रोशन हो सकता है। दोस्तों आप समाज की भलाई के लिए कार्य करते रहें, लेकिन ध्यान दें कि आपके शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने का प्रयास कर सकते हैं। रोजगार लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जी हाँ दोस्तों, जो जातक अपनी जॉब पाने के लिए बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं उन्हें नौकरी का कुछ खुशखबरी प्राप्त हो सकती है दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि कोई फालतू वसूली ना करने दे, आपके साथ धोखा ना हो पाए, इसलिए दोस्तों सतर्क रहें, आप ठगों से सावधान रहने का प्रयास करें। दोस्तों ठग आपको प्रयास कर सकते हैं नुकसान पहुंचाने का, या आप किसी के द्वारा ठगे जा सकते हैं। जीवन साथी के करियर में उन्नति प्राप्त होने से आप बहुत अधिक खुश हो सकते हैं। दोस्तों संतान की तरफ से भी आप बहुत खुशकिस्मत हैं। सेहत की बात करें तो दोस्तों आप कान के दर्द से परेशान हो सकते हैं, इसलिए आप अपने कान में किसी भी प्रकार की कोई नुकीली चीज़ ना डालें। इस समय पर आपके अपनों की असलियत सामने आ सकती है, सुनकर आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। जो लोग मेडिकल लाइन में नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो उन्हें बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की यदि बात करें तो दोस्तों वह खुदरा सामान की बिक्री करने वाले जातक बहुत अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।
सरकार का आलस्य ना करें, अन्यथा दोस्तों आप अपने जीवन में पीछे रह सकते हैं। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक्टिव रहें और किसी काम का आलस्य ना करें। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं अपने परिवार की अच्छे अच्छे खाने बना सकती हैं, उनको परोस सकती हैं, जिससे आपका आपस में प्यार भी बढ़ेगा। दोस्तों आपको धारदार वस्तुओं से थोड़ी सावधानी भी रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको चोट चपेट लग सकती है। दोस्तों सेहत की बात करें तो कल आप पेट दर्द से थोड़ा सावधान रहें, पेट दर्द के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। दोस्तों आपको किसी बात को लेकर के भ्रम हो सकता है, जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा तथा संतान की ओर से आप प्रसन्न रहने वाले हैं। जो महिला गर्भवती हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जिनका डिलीवरी का समय हो गया है उन्हें अब तैयारी करनी होगी, क्योंकि जल्दी आपकी डिलीवरी हो सकती है। दोस्तों नवविवाहितों को माता पिता बनने का सुख प्राप्त होगा, दंपतियों का कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो सकता है। वहीं दोस्तों जो लोग नया वाहन, दुकान, मकान या अपने सुख सुविधाओं, शान चौकत की वस्तुओं की खरीदारी की योजना बना रहे थे, तो आपकी अब यह बड़ी इच्छा भी पूरी होने वाली है। आप इनमें से कुछ भी अपने लिए खरीद सकते हैं, जिसके चलते आपके आसपास के लोग काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले जातक, आपको इस समय जिसकी आपको पहले से बहुत कम उम्मीद थी, अब उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापार करने वाले जातकों की यदि बात करूं तो व्यापारियों के लिए कल का दिन बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए धन का निवेश कर सकते हैं, इसमें आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके पास पैसे की कमी कोई नहीं रहेगी। यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको धन का निवेश करना चाहिए, इसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। युवा जातकों की यदि बात करें तो युवा जातक कल लोगों के बीच सोच समझकर बात करें, अन्यथा आप लोगों के सामने मजाक का केंद्र बन सकते हैं। आपके परिवार में आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है, अपने निर्णय सोच समझ कर लें, अन्यथा इसका असर आपके परिवार पर पड़ेगा। इस महीने में स्वास्थ्य की यदि बात करें तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा सावधान रहें, समय समय पर डॉक्टर के निर्धारित बताए गए समय पर चेकअप कराते रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, स्वभाव में रूखापन ना लाएं, अन्यथा आपके परिवार के सदस्य आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आप अपने भगवान पर बहुत अधिक भरोसा रखें, वह जो भी कार्य कर रहे हैं या करने वाला है सभी आपकी भलाई के लिए है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर प्रकार की जानकारी आप सभी को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव ज़रूर लिखें।